पालक टमाटर का सूप, बहुत ही हेल्दी सूप है। चलिए बताएं कैसे बनाया। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे पालक और टमाटर का सूप। ये एक बंच पालक की है जो हमने अच्छे से धो के और रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास 3 टमाटर हैं जो कि डाइस कर लिए हैं, 1 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कलियाँ छील के काट ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो कि ऐसे डाइस कर लिया है, नमक लगेगा। यहाँ पर मेरे पास 2 तेज़पत्ता है, काली मिर्च साबुत 8 से 10 दाने, लौंग 3 से 4, यहाँ पर सफ़ेद मिर्च है, वाइट पेपर पाउडर जो होता है आधा चम्मच, आधा चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच थाइम ड्राइड, और उसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबलस्पून वाइट बटर डाल दिया है। तो अब बनाना शुरू करते हैं इसको। एक बार ये पिघल जाता है तो पिघल गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं खड़े मसाले सारे। तो प्लेट में जितना भी मैंने आपको सामान दिखाया था, लौंग, साबुत, काली मिर्च और तेज पत्ता, वो हमने तीनों चीज़ें डाल दी। इसको हल्का सा तड़कने देंगे पहले। ये तड़क गया, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, लहसुन और अदरक। थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट सौते करेंगे। प्याज ट्रांसलूसेंट होने लगे तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक। आप पालक को साबुत छोड़ना चाहें तो साबुत भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में तो इसको पीसना ही है, इसलिए हमने भी इसको ऐसे ही रफली चॉप किया है। अभी इसको थोड़ा सा नीचे बैठने देंगे और उसके बाद बाकी की पालक और टमाटर हरी मिर्च डाल देंगे। हमने इसमें हल्का सा नमक डाल दिया था, देखिए कितनी जल्दी बैठ गई नीचे, पानी छोड़ दिया। अब हम बाकी की पालक डालेंगे इसमें। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे ताकि ये दोबारा बैठ जाए और टमाटर की जगह बन जाए। बैठ गया देखिए नीचे। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर और हरी मिर्च। और हर्ब्स यानी कि ऑरिगेनो और थाइम भी डाल देंगे और वाइट पेपर भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। देखिए ये थोड़ा सा अच्छे से पकने लगा, तो 1 मिनट पका लिया हमने इसको। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पानी। ये हमने 4.5 सूप बोल के करीब पानी डाला है, तो ये 6 बोल जितना टोटल बन जाएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और लिड लगा देंगे। लिड लगा के 1 सीटी देके और उसके बाद 5 मिनट कम सेक पर रखेंगे। फिर इसको डी प्रेशराइज होने देंगे। जब डी प्रेशराइज हो जाएगा तो खोल के ठंडा करके और फिर बे लीफ निकाल के हम इसको पीसेंगे। तो एक बार ये डी प्रेशराइज हो जाएगा फिर आपको मैं पहले पीसने से पहले इसको दिखाऊंगी इसका कलर। ये बॉईल हो गया हमारा, तो अब मैं इसमें से जो तेज पत्ता है दोनों वो निकाल के
अलग कर दूंगी और फिर बाकी इसको छान के पीस लेंगे, फिर मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें आप एक टेबलस्पून जितना नींबू का रस भी डालिए, और जब पीस लेंगे तब डालेंगे एक टेबलस्पून नींबू का रस, और इसको फिर गार्निश करेंगे लास्ट में ब्लैक पेपर और जो भुना हुआ धनिया पाउडर होता है वो हम लोग घर में ही भून के रखते हैं और उसका पाउडर बना के रखते हैं। देखिए, ये रहा तेज़पत्ता, दोनों तेज़पत्ता निकाल दिए और अब इसको मैं पीस लूँगी, फिर आपको पीस डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए, ये पीस गया। अब मैं इसको बाकी के जूस के साथ मिक्स करके इसमें एक टेबलस्पून लेमन जूस डाल दूंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पालक सूप रेडी है। हमने इसको भुने हुए जीरा पाउडर के साथ और धनिया के साथ गार्निश कर दिया है और अब हम इसको सर्व करने वाले हैं। आप भी इसे बनाइए, खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।